माहिया में गाते खुशिया मनावागी मनावागी मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा ये जो गल है मेरे मालिक ने मुझे गॉड गिफ्टी है पाकिस्तान में हमारे नुसरत फतेह अली खान उन जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं आया कोई भी नहीं नहीं आया और ना आएगा आधी रात वाली डगे मैनू चूक माया मैनू इंडिया की नोरा सिस्टर है मैं उनको सुनती हूँ मैं जब गा रही हूँ तो मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपका स्टाइल आपका गाने का जिस तरह आप गाती हैं आप नोरा सिस्टर टाइप उसी तरह का थोड़ा स्टाइल तेरे हाथ बच्ची बा तेरे हाथ विच ਸਾਡੀ ਬਾ ਡੋਲਾ ਛੱਡੀ ਨਾ ਵੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚਿਲਕਾ ਦੇਵੇਂ ਮਾ ਪਾਵੇ ਚਿਲਕਾ ਦੇਵੇਂ ਮਾ ਡੋਲਾ ਛੱਡੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾ ਡੋਲਾ ਛੱਡੀ ਨਾ ਵੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਨਾ ਵੇ ਡੋਲਾ ਛੱਡੀ ਨਾ वाह 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 वा। वालेकुम जी मैं रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं न्यो डिजिटल यकीन आप लोग हैरान हो गए होंगे आज स्टार्ट का म्यूज़िक सुनकर कि यहाँ पे क्या आबिदा परवीन मौजूद है क्या नूरान सिस्टर्स मौजूद हैं या फिर कौन है जो इतनी खूबसूरत आवाज़ में आपके सामने मौजूद है तो ये है जी गुजरा वाला की पहलवानों के शहर की साहबज़ादी तय्यबा ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और बिल्कुल हैरान हो रहे हैं कि एक नया टैलेंट हमारे दरमियान मौजूद है और शायद बहुत से लोग ना जानते हों तो आज बातचीत करते हैं कि ये खसूसी आवाज़ जो कि बहुत कम लोगों का शाखसाना रही है म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप किससे इंस्पायर हैं ये कब से कहाँ ये टैलेंट छुपा हुआ था बेसिकली uh, मुझे uh, मैं इंडिया की नोरा सिस्टर है मैं उनको सुनती हूँ मुझे वो uh, बहुत अच्छी लगती है उनका उनका गाने का स्टाइल उनका माशा मुझे मैं मतलब जब सफ़र पे भी हूँ घर बैठी हूँ मैं एंडफील गा के उनको सुन रही होती हूँ और मुझे पता नहीं मैं जब गा रही हूँ तो मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपका स्टाइल आपका गाने का जिस तरह आप गाती हैं आप नोरा सिस्टर टाइप उसी तरह का थोड़ा स्टाइल है तो अच्छा लगता है आपको सुन के तो माशाल्लाह दुनिया लाइक करती है बस हम खुश हैं अच्छा के? ये इतना मुश्किल है कवाली और ये सूफी और मतलब नौजवान नहीं आते इस तरफ ये शौक कहाँ से डेवलप हुआ बचपन से था या मैं फाइंड आउट किया मैं बेसिकली जब मैं स्कूल लेवल में थी तो हमारा मैं छोटी सी थी तो मेरे जो प्रिंसिपल है उनको मैंने ना ऐसे ही टीचर थी तो फ्राइडे को पता है फ्राइडे जुमतुलमबारक तो क्लासेस में नाते वगैरह पढ़ते हैं तो मैंने ऐसे ही एक नात पढ़ी तो मैम को काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे कहती हैं कि चलें नेक्स्ट टाइम कंपटीशन हुआ पंजाब में पंजाब पूरे पंजाब का आर्ट काउंसिल का कंपटीशन था तो मैंने नात कंपटीशन में हिस्सा लिया मेरी उधर अलहमदिल्ला फ़र्स्ट पोजिशन आई और उस दिन के बाद मेरा काफ़ी हौसला अफजाई हुई उसके बाद मुझे जो मेरे जजेस थे जिन्हों उन्होंने उन उन्हों वो काफ़ी मेरे से आ, खुश हुए उन उन्होंने मेरे साथ रात किया उन्होंने कहा कि ऐसे हम लाहौर में चलेंगे आपका मॉर्निंग शो में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैंने कहा ज़रूर तो फिर हम गए उसके बाद फिर ऐसा ऐसा यूँ हुआ कि मैंने कॉलेज कॉलेज के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो फिर मैं पहले लाहौर शिफ्ट हो गई उसके बाद फर्स्ट टाइम ये कहें कि मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा फर्स्ट टाइम मेरे मालिक का इतना करम है कि फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे बैठी फर्स्ट टाइम गाना स्टार्ट किया किसी से कोई रिहर्सल नहीं ली तो सुन सुन के बस यही कह लें कि सुना तो बस स्टेज पे बैठ ये टैलेंट आई थिंक आपके अंदर मौजूद था इसको दरियाफ्त किया गया ये आपकी तरफ से। ये गॉड गिफ्टेड है ये जो गला है मेरे मालिक ने मुझे गॉड गिफ्टेड है अच्छा पाकिस्तानी आर्टिस्ट या सिंगर जिससे बहुत इंस्पायर हैं पाकिस्तान में हमारे नुसरत फतेह अली खान जी माशाल्लाह खान साहिब ठीक है उनको कौन नहीं लाइक करता सारी दुनिया उनकी फैन है और आज शायद हम उनके आ, उनके ही सदके में आज हम इधर बैठे हुए हैं अभी है आपने आ, हुए। सुना ना आप सुना देते मेरा ख्याल है ज्यादा हाईल हुए बगैर फैन सुनना चाह रहे हैं कि भाई हम <laughs> जी, आपकी जी जी आवाज सुने जरूर जरूर हम्म सोचा दिया दे गया सोगाता Sukh Mahi'n al le gaya. Nal dukaan de Kara ke ta Sukh Mahi'n al le gaya Me nu sochaan diyan de. de gaya soga ta Sukh Mahi'n al le gaya Sukh Mahi'n al le gaya Nal dukaan de मुलाकात सुख ले गया मैंने क्या क्या मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट दें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला माशा ये मुझे बहुत पसंद है फर्स्ट uh, uh, मैंने आपको सुनाया नोरा सिस्टर का वो भी मुझे बहुत ज़्यादा वो वो तो मेरे दिल के करीब है और मैं जो अक्सर एक, एक दफ़ा प्रोग्राम था मुझे फरमाइश आई मुझे कहते हैं आपका टच तो नोरा सिस्टर वाला है चलें उनकी कुछ आइटम ही सुना दें तो मैंने उनको यही आइटम सुनाई और यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे ये नहीं कि कुछ दिल टूटा नहीं ये लेकिन फीलिंग फील मैं ज़्यादातर फील करके कुछ सिंगर होते हैं बस ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं मैं फील करके गाती हूँ और उसके बाद मैं आपको फिर बताती चलूँ इस फील्ड में न्यू न्यू आई थी मुझे इस सॉन्ग के अलावा कुछ ही था, था। मैंने सोचा दिया दे ऐसे खाता तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था ये दोनों और यही मुझे आते हैं इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं था उसके बाद फिर जब फील्ड में स्टार्ट हुआ तो फिर जब जाहिर आर्टिस्ट की वैसे तो कोई आ, कोई बॉर्डर्स नहीं होते वो पूरी दुनिया के लिए होता है तो कोई फ्यूचर प्लान सोचा हुआ है कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं यहाँ मैंने परफॉर्म करना है यहाँ इनकार कर देना है कोई प्लान कोई आइडिया नहीं नहीं मैं आ, मैं इस फील्ड से पहले की बात करती हूँ मैं कहती थी कि मुझे ना तुर्की जाना है मुझे बहुत पसंद है मैं अक्सर टीवी में देखती थी छोटी होती अम्मी मैं इतने जाना है अम्मी मैं इतने जाना <laughs> तो मतलब अब इस फील्ड में आ गए तो पता चल गया कि ये फील्ड ही ऐसी है हमारी कि हम इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं कर सकते यार हम क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है हम उधर हमने जाना ही जाना है क्योंकि हमें आउट ऑफ कंट्री के प्रोग्राम आने हैं लोग इन्वाइट करेंगे हम इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे फिर वक्त के साथ साथ ही है ख्वाहिश है कि इसके साथ गाने का मौक़ा मिले फिर वही बात है कि नोरा सिस्टर वही बात आएगी नोरा no सिस्टर अगर अगर ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है क्या कहेंगे यकीन करें मैं तो पहले उनके कदमों को हाथ लगाऊंगी ठीक है कि अगर उसान नुस्त फतल खान होते तो पहले तो मेरी तो अब दिल की ख्वाहिश है कि मैं उनके मज़ार पे जाऊँ उ जाके सलाम करके आऊँ उनको सलाम करेंगे तो शायद मज़ीद गले में शायद नहीं बल्कि पक्की बात है कि जब हम उनके मज़ार पर जाएँगे तो गले में मज़ीद बरकत होगी तो उसके बाद तो अब दिल की ख्वाहिश है कि मेरी नोरा सिस्टर से मुलाकात हो बाकी सिंगर ज़ाहिर है वक्त वक्त के साथ किसी भी प्रोग्राम में जाएं अब मुलाकात हो जाती है लास्ट टाइम मलकुश से हो गई थी ज़ाहिर है फिर जैसे जैसे हम जाएंगे मुलाकातें होती हैं लेकिन उनसे मेरी ख़्वाहिश है मैं उनसे मिलूँ आर्टिस्ट आर्टिस शिकायत करते हैं कि भाई कदर नहीं है आपको कोई शिकायत है नहीं ऐसा कुछ नहीं है अलहमदल्ला मैं जहाँ जाऊँ मुझे सारे लेकिन लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है क़दर करने वाले करते हैं ठीक है मैं इस चीज़ के मैं एगरी नहीं हूँ लेकिन होती है क़दर लास्ट स्टेप तो आपने तय कर लिया है कि शिकायतें नहीं करती हाँ नहीं करती ओके कोई मैसेज अपने प्यारों को देना चाहें मैसेज हम यही देंगे कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ मेरी मम्मा मेरी सिस्टर मेरे साथ हैं मेरे भाई मेरे साथ हैं तो आप लोगों को मेरा यही मैसेज है कि अपनी बेटियों को उनके इतना घुट के ना रखें उनको आज़ाद रखें ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है उनको उनको सपोर्ट करें जिनकी कोई भी ख्वाहिश है किसी भी किस्म की आप उनको साथ लेके चले उनसे मशवरा लें बहुत जबरदस्त हम आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी फरमाइश जी जी, जरूर जरूर क्यों? खान साहब का ये एक है सुन चरखे दी मिठी मिट्टी जी, जी 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 अगर अगर आप सुना दें तो शोर क्यों नहीं चरखे दी मिठी मिठी को ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਇਹ ਹੂਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਇਹ ਹੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ मिठी मिठी को तो मेरा फेवरेट शेर माहिया में गाते खुशिया मनावागी मनावागी ओ दे रहा बिच विच्य, अखिया बिछावागी बिछावागी काले रा

और आई थिंक ये राइजिंग स्टार हैं और फ्यूचर में शायद हमें इनसे टाइम ना मिले तो इनकी कहानी इनकी स्ट्रगल इनकी आवाज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा